कुछ साल पहले नासा ने एक कॉम्पिटिशन रखा था, नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक उनके एस्ट्रोनॉट को पहुंचाने का तरीका दूसरी कंपनियों को दिखाना था। अपने मॉडल दिखाने थे, अपने डिजाइन दिखाने थे, जहां पर बोइंग और स्पेसएक्स सबसे ज्यादा आगे रही और इनको चुना गया, जहां पर बोइंग ने अपना अनक्रू टेस्ट फ्लाइट दिखाया करके, जिसमें थोड़ी बहुत कमियां रह गई, स्पेसएक्स ने दिखाया जो कि बिल्कुल सही रहा, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बता भी दिया था इसके बारे में, जहां पर इसके डेटा को एनालाइज करने की बात चल रही थी, क्योंकि सब कुछ तो सही रहा था लेकिन डेटा एनालाइज होना बाकी था। तो डेटा भी अब एनालाइज हो चुका है और अब पता है क्या चल रहा है, सिर्फ पेपर वर्क चल रहा है। और कहा जा रहा है कि मई 7 को शायद स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसशिप नासा के दो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लेके जाएगा, जहां पर नासा ने अपने दो एस्ट्रोनॉट को चुना है, जो है बॉब बैनकेन और डग हार्ले। हालांकि ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि ये मई 7 को ही किया जाएगा। दरअसल जॉनसन स्पेस सेंटर के डायरेक्टर मार्क गैरे ने ये बात कंफर्म की है कि ये प्रोजेक्ट करीबन मई 7 को हो सकता है, जो कि बिल्कुल तैयार है, सिर्फ पेपर वर्क चल रहा है इसके ऊपर। फिलहाल के लिए बने रहो इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो, आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। करीबन 2019 के वक्त में मोरक्को के अंदर यॉट शो चल रहा था, जहां पर हाइड्रोजन पावर्ड सुपर यॉट का कॉन्सेप्ट भी दिखाया गया था, जिसका नाम रखा था एक्यूआ। अब दुनिया भर में यह खबर फैलाई जा रही है कि इस सुपर यॉट को बिल गेट्स ने खरीद लिया है करीबन 644 मिलियन यूएस डॉलर में, जहां पर दुनिया भर में ये मीडिया वाले भी खबर फैला रहे हैं और इसी के साथ साथ मैगजीन वाले भी फैला रहे हैं कि ये सुपर यॉट बिल गेट्स ने खरीद लिया, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसको खुद इस कंपनी ने सामने आकर बताया कि ये जो भी न्यूज स्प्रेड की जा रही है ये बिल्कुल गलत है, इस पे बिलीव मत करना, हमारा बिल गेट्स के साथ में कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है, ना ही कोई लिंक है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट में है, जो कि 2024 तक तैयार हो जाएगी। और अगर इस सुपर यॉट के बारे में ही बात की जाए तो ये हाइड्रोजन पावर्ड सुपर यॉट होगी और इसी के साथ साथ ये इको फ्रेंडली होगी, जो कि एक लग्जूरियस वे होगी समुद्र के रास्ते ट्रेवल करने की। इसमें 1 मेगावाट की 2 मोटरें लगाई जाएंगी, जो कि इस सुपर यॉट को करीबन 17 नॉट की स्पीड से भगा पाएगी समुद्र पे, जो करीबन 32 मीटर पर आर। इसमें 14 लोग सफर कर सकते हैं, जिनकी सेवा के लिए 31 क्रू मेंबर रहेंगे। इसमें करीबन 5 डेक होंगे और करीबन 370 फीट लंबी ये सुपर यॉट होगी। इसके अंदर स्विमिंग पूल भी होगा, हालांकि जिसको शौक है समुद्र में जाके कूद के भी तैर सकता है। स्पा भी होगा, जिम भी होगा और मूवी थिएटर भी होंगी। तो फिलहाल के लिए खबर ये है कि इसको बिल गेट्स ने नहीं खरीदा है। आप में से बहुत लोगों को एनआरसी के बारे में मालूम होगा, सीएए के बारे में मालूम होगा, एनपीआर के बारे में मालूम होगा, और कुछ लोग इसके सपोर्ट में होंगे, कुछ लोग इसके खिलाफ होंगे। लेकिन जानकर हैरानी ये रह जाएगी आपको कि असम के अंदर जो एनआरसी हुई थी उसका डेटा गवर्नमेंट वेबसाइट पर डाल दिया गया था कि कौन लोग इस लिस्ट में है, कौन लोग इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन पंगा ये हो चुका है कि ये सारा का सारा डेटा गायब हो चुका है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और वो भी एक बहुत ही सिली सी मिस्टेक की वजह से। जो मिस्टेक है कि जो क्लाउड स्टोरेज है उसका सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवाया ही नहीं गया था, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो चुकी है क्लाउड स्टोरेज और डेटा गया। VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें आप क्या देखोगे? या तो आप कोई गेम खेल सकते हो या कोई मूवी देख सकते हो, बस इससे ज़्यादा शायद ही किसी ने सोचा हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किसी लोकेशन पे जा सकते हो VR हेडसेट के ही ज़रिए और देख सकते हो, वहाँ पे घूम सकते हो। लेकिन एक कोरियन टेलीविज़न था जहाँ पे एक मदर की लड़की जो 7 साल की थी वो किसी वजह से चली गई थी दुनिया छोड़ के, कोई बीमारी उसको लग गई थी, जिसके बाद में एक कोरियन टेलीविजन में एक एपिसोड था मीटिंग यू, जहां पर वर्चुअल रियलिटी के ही जरिए उनको उनकी लड़की से मिलवाया गया था, जहां पर लड़की ने उनसे बातें करी और मदर ने भी उससे बातें करी, और इस तरीके से आखिरी बार उस माँ को अपनी लड़की को दोबारा से देखने का मौका मिला था। हालांकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रही देखने में, जो कि आप देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और 9 मिनट की वीडियो है, थोड़ा सा इमोशनल कर देगी शायद। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रिटिश एयरवे ने एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, जो है फास्टेस्ट सबसोनिक ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट का। इन्होंने अटलांटिक ओशियन की जो दूरी है बहुत तेज़ी के साथ में पार कर लिया, जहाँ पर जेट स्ट्रीम ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी,
रही है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा विंड थी उसने इनके प्लेन को काफ़ी ज़्यादा पुश किया, जो कि बोइंग 747 था जो कि न्यूयॉर्क से लंदन जा रहा था, उससे 2 घंटे पहले फ्लाइट वहाँ पर आके लैंड हो गई थी और यहाँ पर स्पीड करीबन गई थी 1327 किलोमीटर पर आर की, जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज थी, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये सुपरसोनिक तो नहीं थी लेकिन सब सोनिक स्पीड थी। आप में से बहुत से लोगों को टेस्ला के साइबर अटैक के बारे में तो पता ही होगा, जब उसका डिजाइन अनवील किया गया था तो काफी सारी कंट्रोवर्सी भी की गई थी कि इसका शीशा टूट गया लोगों की लाइमलाइट में आने के लिए, और यहां पर 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज बताई गई है कि ये जा सकता है। लेकिन इसके बाद में निकोला मोटर्स ने अनवील कर दिया है अपने हाइड्रोजन एंड बैटरी पावर्ड ट्रक का कॉन्सेप्ट, जो कि करीबन 1000 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। एक बात मैं आपको बताता हूं कि निकोला मोटर्स और टेस्ला अलग अलग कंपनी है, इसको एक मत समझ लेना कि ये दोनों ही एक हैं। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हाइड्रोजन एंड बैटरी पावर्ड कॉन्सेप्ट होगा ये 100 किलोमीटर की स्पीड दे देगा सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही। तो यहाँ पर ये कंपटीशन सा लग गया है निकोला मोटर्स और टेस्ला के अंदर कि हमारा बढ़िया है या तुम्हारा बढ़िया है। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी कोरोना वायरस की अपडेट दे देता हूँ कि चाइना जो कि सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है इस वायरस से, तो वहाँ के टैक्सी ड्राइवर कुछ इस तरीके से अपनी गाड़ियों को बना रहे हैं कि अगर कोई पैसेंजर इन्फेक्टेड भी है तो उसका इन्फेक्शन उनकी तरफ ना चला जाए। और इसी के साथ साथ जापान के अंदर एक क्रूज शिप में करीबन 64 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए, जिसमें से 14 अमेरिकन थे। तो ये घूमने फिरने के चक्कर में अपने आप में ही एक बीमारी ले आए। और इसी के साथ साथ चाइना के अंदर नर्सों ने अपने बाल कटवा दिए हैं ताकि जर्म्स उनके बालों में ना आए और उसके बाद में उनके सांसों के साथ अंदर चला जाए और उनको फिर कोरोना वायरस हो जाए। तो इस तरीके के भी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। सो फिलहाल के लिए इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।